कि हम बाहर जब जनों से मिलते हैं, लोगों से, तो आए दिन महाराज जी भगवत प्राप्ति जिनको हो चुकी है ऐसा वो कहते हैं कि हमें आत्म साक्षात्कार हो चुका है, हमारी कुंडली जागरण हो गई है, हमें 2 बार ठाकुर जी ने दर्शन दे दिए, आते रहते हैं। ये प्रश्न उनके लिए पूछ रहे हैं कि उनके लिए क्या समाधान होना चाहिए, जैसे इसमें आपको महाराज जी। हाँ, पहले बात तो समझिए, अगर जो जगा हुआ है उसको पूछने की या बताने की जरूरत है क्या? जो जगा हुआ है, अगर स्वप्न में जगने का भान हो गया उसको, स्वप्न में एक नया स्वप्न मैं जग चुका हूं, तो फिर बोर्ड लग जाएंगे और फिर प्रचार प्रसार उस बात का होगा। मुझे कुंडली जागृत है बताने की क्यों क्यों बताना चाहता है, देहाभिमान पुष्ट करना चाहता, हमें इस प्रश्न से मतलब नहीं है। हम क्यों, वो क्यों बताना चाहता है मेरी कुंडली जागृत है, वो क्यों कहना चाहता है कि मुझे आत्मबोध हो गया है, वो क्यों कह रहा है मुझे भगवत साक्ष, कोई उसे पूछ रहा है विनय पूर्वक, कोई उस पर आक्षेप कर रहा है? ये अहंकार की दशा होती है, और अहंकार का लय हुए बिना कुछ नहीं होता, ये सब नाटक होता है, माया का नाटक होता है। सत्य जो मार्ग है अभी उस पर कदम नहीं। ब्रह्मरंध्र द्वार खुल गया था, छत पे टहल रहे थे, ब्रह्मरंध्र द्वार खुलते हुए तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, शरीर छूट जाएगा। ब्रह्मरंध्र खुल गया तुम जीवित बैठे हो, प्राण तो ब्रह्मरंध्र खुलते निकल जाएंगे ना, लय हो गया, अब क्या बचा? वो बोल रहा है कि मेरे ब्रह्मरंध्र खुल गए, कुंडलनी जागृत। अरे कुंडलनी आप खेल तमाशा समझते हो क्या? एक हम गंगा के बहुत भ्रमण भी किए ना गंगा किनारे, तो एक जगह मिले तो कई लोग लिवा के उनको आए, नई अवस्था थी, वो आते ऐसे ऐसे खोपड़ी की ऐसे 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 ऐसे, वो जैसे प्रेत आ जाते ना, शांत बैठे थे। तो इसके बाद जब उन्होंने कहा कि आप डरे तो नहीं हो, उन्होंने कहा तो हम चुप रहे, फिर भी बोले हमें कुंडलनी जागृत हुई है तो ये हमारे ही हो रहा है। हम महाराज हम भूतेश्वर के चेला है, हमको तुम्हारी खोपड़ी हिलाने से डर है, इस मशान में सोते हैं, इस मशान में ही तो गंगा किनारे, इस मशान में ही तो सोते हैं, कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं लाश, और वही मस्त पड़े हैं, हमें कोई भय थोड़ी है। अरे महादेव के चेला है कोई होता है? ये सर ड्रामेबाजी नहीं, 8 घंटे 10 घंटे पद्मासन बैठा जाता है और अखंड ब्रह्मचर्य, तब कुंडलनी का मुख ऊपर की तरफ होता है, जैसे होता है वो गुप्त और शांत एकदम होता चला जाता है। ये भागवतिक मार्ग है, जैसे जैसे आत्म होता है तो किससे हम वर्णन करेंगे। हाँ, कोई जिज्ञासु आर्त प्रणति होकर के जब कोई प्रश्न करता है तो अंदर प्रेरणा होती तो बोलना शुरू कर देता है। अहम शून्य कोई भी मार्ग, अंतःकरण में जो आम धर्म है उसका जब लय हो जाता है तब वस्तु मिलती है, जब वस्तु मिलती है तब वो किसके लिए कहे, और जब तक वस्तु नहीं मिलती तो लगता है ना थोड़ा, वो आम की सारी दशा होती है। कोई भी हो जब तक अहम गलित नहीं होता है तब तक परमार्थ में प्रवेश नहीं होता है। ये देहाभिमान अभी जिस चर्चा करें ना, स्थूल सूक्ष्म कारण, अब किससे चर्चा करें, जो दूसरा हो तो बात है, फिर हम किस क्यों बता रहे हैं? कोई जिज्ञासु है क्या बैठा है जो चरणों में प्रणति हो करके, और जैसे बाबा से पूछा, पूज्यपाद से उड़िया बाबा जी से कि अहो भाग्य अखंडानंद स्वामी जी ने कि प्रभु मैं आपको जान गया। स्वामी जी ने नई अवस्था थी स्वामी जी की, उस समय संन्यास लिया तो श्रीमद भागवत चर्चा करते थे स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, तो बाबा इनका जान गया कौन, बोले बाबा आप साक्षात ब्रह्म हो, तो तुम पार्थिव दृष्टि से ब्रह्म को देख सकते हो, पार्थिव दृष्टि से तुम ब्रह्म को, ब्रह्म दूसरी वस्तु द्वैत वस्तु है क्या कि तुम दृश्य की तरह उसे देख सकते हो, वो गलत है एकदम। तो बाबा आप एक जीवन मुक्त महापुरुष हो, तो जीवन मुक्त महापुरुष तो अनुभव में आता है, ये अनुभव स्वयं को होता है, आपने कहां से जाना, किससे जाना? बोले बाबा आप ही बता दो आप क्या हो, बोले चराचर का मैं सेवक, बाबा की वाणी में लिखा है चराचर का सेवक केवल भगवान होता है या ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष होता है। क्या कहा? मैं चराचर का सेवक हूं, पूज्य बाबा ने कहा। जैसे भगवान श्री कृष्ण की राजस्व यज्ञ में अग्र पूजा हुई लेकिन सबके चरण धोने की सेवा भगवान ने स्वयं, ये मार्ग थोड़ा अध्यात्म मार्ग में दम्भ दिखावा पाखंड इनका प्रवेश नहीं है,
ये बड़ा निर्मल मार्ग है, पवित्र मार्ग है। आरत अधिकारी जब पावे तो गुढ़ऊ तत्व ना साधु दुरावे। देखा कि अधिकारी है आसपास, हटा दिया सबको। फिर एकांत में वो अपने रहस्य खोलता है। कब? जब आरत अधिकारी, वो जिज्ञासु इतना प्रबल है, इतना अधिकारी है, वो चरणों में पड़ा हुआ है, तो करुणा करके जब भगवत आदेश हुआ तो वो खोलना शुरू कर दिया उसकी स्थिति के अनुसार। एक बार निमि जी ने जब नवयोगेश्वर से वार्ता की तो कहा यही प्रश्न मैंने सनकादि से किया था, पर वो कुछ नहीं बोले थे और चले गए थे, ऐसा क्यों? तो बोले उस समय आपकी योग्यता नहीं, महाराज निमि विदेहराज बोले आपकी योग्यता नहीं थी, आज आप में वो बात आ गई तो उसका उत्तर हमसे ले लो। तब उत्तर दिया था नवयोगेश्वर ने मिलके। तो ये भगवत ऐसे नहीं, राधा कृष्ण मिल गए, हमें सियाराम मिल गए, अरे मिल जाएंगे तो तुम्हारा रोम रोम बताएगा, तुम्हारे नेत्र बताएंगे, तुम नहीं बोल पाओगे। देखो आचार्य कैसे बोल रहे, क्वाहम तुच्छः परम मधमः प्राण्यो गर्ह कर्मा यत्तन्नाम स्फुरति महिमा हरेश वृंदावनस्य। बोले कहा मैं तुच्छ अधम अपराध करने वाला प्राणी, और कहा मेरी जिभ्या पे राधा नाम है तो वृंदावन की महिमा है। विभीषण जी से मिल रहे हैं और विभीषण जी कह रहे हैं हनुमान जी को, या तो आप साक्षात हरि हैं और या फिर हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ कोई है, क्योंकि मोरे हृदय प्रीति अति कि तुम राम दीन अनुरागी आयो मोह करण बढ़ा, कि तुम हरिदासन मा कोई मोरे हृदय प्रीति अति पक्का। दो में आप एक, या तो स्वयं हरि हो और या हरि के प्रेम में डूबे हुए कोई सर्वश्रेष्ठ हरिदास हो। हनुमान जी क्या बोले, असमय अधम सखा तुम है, सब कुछ है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, कोई इनसे बड़ा ज्ञानी स्वयं भगवान शंकर के अवतार है, रुद्रावतार है, ज्ञान खान गान जहां बस शंभु भवानी, वो तो ज्ञान समुद्र बंदे बोध हम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जब राम जी से मिले तो क्या बोल रहे हैं, एक में मूढ़ मति अपने को मूढ़ मति कह रहे ज्ञानी नाम अग्रगण्य, कुटिल हृदय अज्ञान, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कह रहे कुटिल हृदय अज्ञान, उन प्रभु मोहे बिसारे हो दीन बंध भगवान। ये स्थिति प्रज्ञ महापुरुष, ये ज्ञान शिरोमणि, ये भगवत साक्षात्कार की हुए महापुरुष की वाणी कह रहे हैं, असमय अधम सखा सुनो मोह पर रख दे, मुझ जैसे ऐसे अधम की प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा, असमय अधम सखा सुनो। कहा इतना बड़ा महान बल का कार्य केवल हनुमान जी कर सकते थे, रावण की लंका में जय श्री राम की गूंज और थर्रा दी पूरी लंका में, कोई एक नहीं बचा जिसके हृदय में भय न समा गया हो महाबली हनुमान का। माता जानकी से कहा कि मैं अभी अभी रावण सहित समस्त इनके महारथियों को बंदी बनाकर आपको पीठ में बैठा लगा, अभी मिला देता रघुनाथ जी से, पर प्रभु ने आदेश नहीं किया, माँ बस कुछ क्षण आप रुकिए, स्वयं प्रभु आएंगे और उनकी विजय गाथा लोक पावन करेगी। हनुमान जी जब अपार बलशाली भगवान महादेव जी तो है, लेकिन वो कैसे कैसे सोचिए, जब राम जी के समीप आते हैं और राम जी उनको हाथ पकड़कर अपने समीप बैठाना चाहते हैं, फिर राम काज करके आ रहे ऐसे कर गई निकट बैठा, ऐसे वो शकिल के चरणों में बैठ जाते, कहते हनुमान रावण के द्वारा सुरक्षित लंका में प्रवेश पाना, समुद्र लांग जाना, वहां जाकर आग लगा देना और बड़े बड़े निशाचरों का वध, तो उन्होंने कहा नहीं 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 प्रभु नहीं, शाखा मृग के असीम अनुसाई, बस शाखा ते शाखा पर जाए, नाग सिंधु हाटकपुर जा रहा, निश्चर गन बद विपिन उजारा, सो सौ तो प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ये देखो ये भाषा निकल रही महापुरुष की, कह रहे मेरा बल बंदर का बल कितना डाल से डाल था, ये समुद्र 400 योजन पार करके जल प्रभु, ये तो आपका प्रताप, लंका में जय श्री राम की गूंज विध्वंस मचा दिया, वहां मुझे राम प्रताप दिखाई दे रहा था, कहीं अनुमान नहीं थे प्रभु। हा बोला वचन विगत अभिमाना, बस हम संकेत में इतना कह रहे हैं कि वास्तविक जितनी स्थितियां वर्णन की गई हमारे लिए ही की गई, अगर हम ईमानदारी से सच्चाई से चले तो हम उस स्थिति को जरूर प्राप्त कर लेंगे, चाहे कुंडलनी जागरण हो, चाहे आत्मबोध हो, चाहे प्रेम हो, हमारे लिए तो बनी ना स्थितियां, ये धोखे में काहे को रखो, ईमानदारी से अंदर बैठ के देखो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर विजय प्राप्त किया इन पर,
स्थूल सूक्ष्म कारण इनका बाद हुआ, क्या कुंडलनी, क्या आत्मबोध, क्या श्री राम जी का साक्षात्कार, सबका एक ही फल होता है। अभी होता नहीं, जब आपसे प्रारंभ हुआ, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज स्वरूप, भगवान को जान गए तो भगवान बन गए आप, सोई जाने जी देह जनाई जानत तुम्हें तो। अच्छा जब जान गए तो उसके सिवा कोई है नहीं, तो हम किससे बात करेंगे इस बात के लिए कि हमें ब्रह्म बोध हो गया है। हाँ कभी कोई महापुरुष ऐसा नहीं बोलता मुझे भगवत प्राप्ति होती, जैसे किसी से पूछो, पूछा कि आपको भगवत साक्षात्कार हो गया है, तो ना ना कह सकते हैं और ना हाँ कह सकते हैं। हाँ इसलिए नहीं कह सकते कि वो अनंत है, और ना इसलिए नहीं कह सकते कि जी नहीं सकते उसके बिना, उसके बिना आधार नहीं। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं ना है, पकड़ पाओ तो देख लो। लाली मेरे लाल की चित देखूं चित लाल, और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल, बस पकड़ लो। अब पहुंचो तो पहुंचो, पकड़ लो। तो अब भाई देखो डॉक्टर के पास अगर तुम कहोगे कि हम स्वस्थ हैं, वो तो थर्मामीटर डाल के देख लेगा एक सेकंड में कि नहीं आप स्वस्थ नहीं है। अब ऐसे बीमारियों से कहो कि मैं स्वस्थ हूं तो चल जाएगा। जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई, ये है जगे हुए पुरुष का लक्षण, खत्म। मैं मूर्त है तो रोकने स्वरूप, ये सब अहंकार का पोषण हो रहा है भाई, संभाल लो। रोग बढ़ रहा है, मिटने की जगह रोग बढ़ रहा है, संभाल लो। सबका एक फल है सच्चिदानंद तत्व में स्थित हो जाना, सबका चाहे भक्ति चाहे ज्ञान चाहे वैराग्य चाहे, और ये सारी स्थितियां अपने अपने लिए हैं, कोई ये थोड़ी दुर्लभ स्थिति। चढ़ो चढ़ो आगे बढ़ो, वही तो अभी कह रहे थे आगे बढ़ो। दम्भ में क्यों फंसो, पाखंड में क्यों फंसो, झूठ में क्यों मानो। अरे झूठी से राजा का मुकुट धारण करने से राजा नहीं बन जाएगा, पहले सेना तैयार करो और परास्त करो विपक्ष को, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये षड विकार जित अनग अकामा, छह विकारों पर विजय निष्पाप, कोई कामना नहीं। विनिवृत्त कामा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंदेर विमुक्ता, कहाँ स्थिति। अरे भाई आनंद लो, खूब नाम जप करो, गुरु चरणों का आश्रय लो, उनके द्वारा बताई हुई पद्धति से चलो तो हर स्थिति आ जाएगी। वो स्थितियां जितनी है प्रेम की ऊंची ऊंची भूमिकाएं, वो अपने लिए बनाई है, वो भगवान के लिए थोड़ी है, वो हम हमारे लिए है। हम उस मार्ग में चले, ऊंची से ऊंची पदवी को प्राप्त करें, वो इसमें दुर्लभ बात। लेकिन ये पदवी ऐसी थोड़ी कि मुकुट जग जाता है, कुछ अलग दिखाई देने लगता है कि भाई ये ब्रह्म बोध है कि नहीं, ऐसे भाई बोले उनके है। हाँ ये अब ये बातें तो मतलब कोई पोस्टर वाली थोड़ी थी कि पोस्टर है ऐसे। ॐ नमः शिवाभ्याम् नवयौवनाभ्याम् परस्परस्लिष्टवपोर्धराभ्याम् नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्याम् नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां, नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां, मंदारमाला कुलितालकाये कपालमाला शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। करपूरगौरं करुणावतारं संसार
सहितं नमामि।